जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस मेडल से हटेगी शेख अब्दुल्ला की तस्वीर, अशोक स्तंभ का लगेगा चित्र। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी दार ने सरकार के इस फैसले का किया विरोध और इसे इतिहास को मिटाने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में लोगों के दिलों पर राज करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले के बीच महाराष्ट्र में नया विवाद शुरू होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पुणे शहर में मौजूद दो दरगाहों के मंदिर की जमीन पर बने होने का दावा किया है। पीएम मोदी ने लॉन्च की कॉर्ड फेलोशिप। जापान के पीएम फुमियो किशिदा की अगुवाई में मंगलवार को टोक्यो में कॉर्ड समिट 2022 आयोजन किया गया। इस समिट में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने शिरकत की। कॉर्ड फेलोशिप कार्यक्रम के तहत गरीब देशों के 100 छात्रों को छात्रवृत्ति के माध्यम से एक दूसरे के देशों में अध्ययन करने में सक्षम करेगा। पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने वालों को विभाग की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी है। पोस्ट ऑफिस में NEFT की सुविधा 10 मई से शुरू कर दी गई है। वही RTGS की सुविधा आने वाली 31 मई से शुरू हो जाएगी। अब पोस्ट ऑफिस में अकाउंट रखने वाले इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। विभाग की तरफ से 17 मई को जारी सर्कुलर में बताया गया है कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से NEFT और RTGS की सुविधा शुरू की जा रही है। भोपाल मध्य प्रदेश में अब स्टूडेंट्स के मकान का किराया सरकार भरेगी। इसके लिए स्टूडेंट्स को हर माह अधिकतम 4,000 रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार द्वारा ये सुविधा ऐसे आदिवासी स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो अपने गृह निवास से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। यह योजना पहले से ही चलाई जा रही है जिसमें राज्य सरकार ने राशि में इजाफा किया है। डिंडोरी जिले में जंगली हाथियों का उत्पात एक बार फिर देखने को मिला। शाहपुर थाना क्षेत्र के बासी देवरी गांव में मंगलवार रात करीब 3:30 बजे हाथियों ने 3 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया, एक महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम गांव पहुंचकर जांच कर रही है। वही वन विभाग की टीम गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को जंगल की तरफ से न जाने के लिए अलर्ट कर रहे हैं।